अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहाँ लड़ेंगे क्या है सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे, आज़ादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे, तो ये सब बात हो गई है। तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चूंकि हम लोगों ने बैठक बुलाई इसलिए हम शुरुआती तौर पर कह दिए, अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे, आज़ादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे, तो ये सब बात हो गई है। तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चूंकि हम लोगों ने बैठक बुलाई इसलिए हम शुरुआती तौर पर कह दिए। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।